बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका हेलो हेलो क्या नाम है हाँ, पांडे नाम है ना मेरा कहां से बात कर रही है? मैं भागलपुर जिला से बोल रही हूँ मैम मैं जब धूप में जाती हूँ ना तो मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है मैम बहुत जल्दी मतलब और पूरा सूज जाता है पूरा चेहरा और मुझे थायराइड भी है मैम एज क्या है आपकी एज मैम फोर्टी फोर्टी बच्चों की सी तो आवाज़ है आपकी चालीस साल की उम्र है और आप अपना बस थायराइड ठीक कर लीजिए चेहरा आपका खुद ही ठीक रहने लगेगा आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ लिख लेंगी तो आपका हुआ नहीं लिखा तो फिर दोबारा आपको जहमत करनी पड़ेगी तो देखिए धनिया लीजिए तीन सौ ग्राम तीन सौ ग्राम धनिया का दाना और 100 ग्राम आंवला 100 ग्राम मेथी दाना और एक चीज़ ये तो सब की आपको पहचान है ही एक चीज़ असली लेनी है नकली भी बहुत मिलने लगी है गौंद मोरिंगा सफ़ेद याद रखें सफ़ेद गौंद मोरिंगा लेना है लाल नहीं पीला नहीं नीला नहीं इसमें बहुत सारे बहुत ज़्यादा नकली वकली आते हैं तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना है सौ ग्राम इन सबको पाउडर बनाएं एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं वो गोली भी ना छोड़ें हर दूसरे महीने उसकी गो, गोली की पोटेंसी आपके डॉक्टर खुद कम करेंगे ऐसा हमारा अनुभव है और सात आठ महीने अगर आपने ये नुस्खा लिया तो आपको गोली और आपका थायराइड कहाँ है ढूंढना पड़ेगा और आपका ठीक होना मुमकिन है आइए बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका हेलो सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए टीवी का वॉल्यूम ऐसे तेज रहेगा तो मैं आपकी कॉल कट कर दूंगी आप सवाल कीजिए नाम बताइए हेलो ये करना है कि मेरे को गोल किया तो बहुत किया पेट के साथ होता है गोल किया ठीक है कितनी उम्र है आपकी तो उम्र भी काफी लग रही है सेवेंटी अच्छा देखिए गाउन सियाह से आपको फ़ायदा हो रहा है बहुत खुशी की बात है ये सौ ग्राम भी अगर आपके पास है तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की ताकत रखता है ऐसे खाते रहें पेट के लिए कोई भी दवा ले सकते हैं लेकिन मैं भी एक बता देता हूँ तक जाके आपको वो भी कब्ज में भी आसानी हो जाए मेथी पीस लीजिए मेथी का दाना लेकर इसको पीस लीजिए खूब बारीक और आधा चम्मच मेथी एक गिलास गर्म पानी में डालकर खूब मिलाएं खूब गर्म पानी में और ये जब ठंडा होने लगे तो इतना गर्म हो जैसे चाय पीते ना चुपकियाँ लेके एक साथ नहीं पी सकते इतना गर्म चुपकियाँ ले ले कर ले ले, ले ले इसको पी लिया करिए दिन में एक बार आपका पेट भी ठीक होना मुमकिन है बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ रमेश जी स्वागत है आपका सर मैम मैं अकोला अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ आपका सवाल क्या है मेरा बायपास हुआ है पाँच साल हो गए हाँ। और मेरे को पेट की शिकायत है तो मेरे को ठंडक का प्रॉब्लम हो रहा जी देखिए महाराष्ट्र वालों एक बात मेरी खूब गौर से सुनिए बल्कि जितने भी लाखों करोड़ों जो भी इस वक्त सुन रहे हैं ये उनके लिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ मेरे अनुभव की बात है आपसे शेयर कर रहा हूँ आप लिख लें चाहे तो देखिए बाईपास की नौबत आई क्यों देखिए हर 40-45 साल के आदमी का खून गाढ़ा होने लगता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है यानी खून में चर्बी कुदरती तौर पर बढ़ती है और ये चर्बी जब हमारे दिल की रगों में भर जाती है तो इसकी वजह से बाईपास कराना पड़ता है जिनको भी बाईपास की नौबत हो वो ऑपरेशन ना कराएँ ये नुस्खा इस्तेमाल करें खूब गौर से सुने और ये बहुत काम का है लाखों रुपए बच जाते हैं ज़िंदगी बच जाती है ऑपरेशन बच जाता है बहुत मुश्किल ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता किसी काम का नहीं रहता और ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है और ये नुस्खा लेने के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ फिर ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी जिसका बाईपास होता है उसको फिर सात साल में पाँच साल में प्रॉब्लम आती है तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये नुस्खा बहुत अच्छा है जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है यानी बाईपास की नौबत है वो उसको ट्राई करें सबसे पहले और मेरा अनुभव है कि डॉक्टर खुद ढूंढते रह जाते हैं कि बाईपास कहाँ करें इनके तो ब्लॉकेज ही ख़त्म हो गए ये मेरा अनुभव है तो देखिए लीमू का रस एक लीटर निकालें नींबू का रस एक लीटर अदरक का रस एक लीटर और लहसन का रस एक लीटर ये तीन लीटर रस इससे पहले आप आ, जैतून का सिरक़ा एक लीटर इसमें मिला दें जैतून का सिरका कितना भी आपका ब्लॉकेज हो इसमें क्षमता है तीन तीन चम्मच तीनों टाइम पिए खाने के पश्चात छोटे चाय के चम्मच तीन बार या दो बार आपको इन सब बीमारियों से निजात मुमकिन है अयोध्या से नेक्स्ट कॉलर में आरपी पांडे जी स्वागत है आपका हाँ मैडम ऐसा है कि डेंगू का शिकायत है डेंगू की किसकी हेलो डेंगू डेंगू बुखार ठीक है किसको आपको है नहीं बहू को है अच्छा ठीक है देखिए डेंगू चल पड़ा है और डेंगू का एक ऐसा अच्छा इलाज है कि आदमी खुश हो जाता है और पैसे भी नहीं लगते मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बगैर पैसे का इलाज बता दूँ देखिए विश्वास करें तो आप अपनी बहू को ये जो होता है पपीते का पत्ता पपीता नहीं पपीता भी खिला सकते हैं वैसे लेकिन पपीते का पत्ता एक चार छः इंच का इतना बड़ा पीस के पानी मिला के पिला दें दिन में एक बार या दो बार और आप अगले दिन रिपोर्ट कराना तो आपको खुशी हो जाएगी कि आपकी बहू का जो ख़ून पतला हो गया था और प्लेटलेट्स गिर गई थी वो एक ही दिन में ऊपर आ गई ये सौ दवाओं की एक दवा है याद रखें लिख लें आपको जरूरत नहीं है तो आप अपने पास लिखें किसी दूसरे की पड़ोसी की रिश्तेदार की मदद करें ये मेरा अनुभव है कि दो चार खुराक में आदमी को फायदा होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है नरेश चंद जी स्वागत है आपका नमस्ते मैडम नमस्कार बताइए आदा वकील साहब साहब हमेशा दो साल से हम एलोपैथिक दवाई करवा रहे हैं और कोई फायदा नहीं रहा हमें नींद कतई नहीं आती बिना गोली कतई नींद नहीं आती बहुत परेशान है ठीक है क्या उम्र है आपकी उम्र है पैंसठ साल ठीक है हाँ देखिए बड़े अच्छे मरीज अच्छे से बात कर रहे हैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा हम उनकी बात सुन पाते हैं वो हमारी बात सुन पाते हैं या नहीं नहीं बालू देखो एक और नुस्खा ऐसा बताता हूँ जिन लोगों को नींद की समस्या है उनको पहले ही दिन से बहुत फ़ायदा होता है मैंने कई लोगों को बताया एक महिला को बताया फिर उनका फ़ोन आ गया कि अरे ऐसी नींद आती है कि मैं आठ दस बजे उठती हूँ जिसको नींद ही नहीं आती थी आपको भी बता देता हूँ सिरका आता है जैतून का जैतून का सिरका अब दो साल से इलाज कर रहे हैं जैतून का सिरका ख़रीद लें तीन या चार चम्मच छोटे चाय के चम्मच होते ना पानी में मिलाइए एक गिलास और जब घर का मौसम हो जा माहौल हो जाता ना सोने का उस वक्त पी लें आधे से एक घंटे में आपको इतना सुकून मिलेगा जैसे आपको कोई लोरी सुना रहा है कोई आपके सिर में मालिश कर रहा है और आपको कब नींद आ गई दो साल से आप परेशान हैं इनउसका कर लीजिए मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा होगा तो आप भी मुझे फोन करके फीडबैक बताएं कि आपको फायदा हुआ बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका मधु जी आवाज मिल पा रही है जी मैम बताइए कहां से बात कर रही हैं है? मैम मैं दिल्ली से बोल रही हूं सवाल मैम मेरे प्रेगनेंसी के बाद से झनिया हो गई है और वो खत्म नहीं होती है बिल्कुल भी जी, क्या हो गया झाइया हो गई हैं प्रेगनेंसी के बाद फेस पे हो गई है ना थर्टी फाइव ठीक है मधु जी एक तो आप हर हफ्ते एक कैल्शियम की गोली लिया करिए एक हफ्ते में एक नहीं डॉक्टर लोग रोजाना दो दो देने लगते हैं उससे और पथरी और हो जाती है कभी भी कोई डॉक्टर रोजाना एक या दो कैल्शियम दे तो मत खाएं पथरी हो जाती है मेरा अनुभव है एक हफ्ते में एक कैल्शियम की गोली आती है वो कोई भी ले ले खाया करें और गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है याद रखें सफ़ेद वाला ही लेना है लाल भी नज़र आता है आप देखेंगे पीला भी मिलता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली आधा ग्राम रोज़ाना पानी मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर पी लिया करें आपका चेहरा पहले जैसे होना मुमकिन है मुजफ्फरनगर से नेक्स्ट कॉलर है सुनैना स्वागत है आपका आ, हाँ मेरे हस्बैंड को किडनी में स्टोन है तो उसके लिए कोई उपाय मिल जाए तो वो निकल नहीं पा रहा है तो इसलिए पूछना था ठीक है देखिए एक आता है जैतून का नमक इसे नमक जैतून या रसायन जैतून कहते हैं देखने में नमक ही जैसा होता है बिल्कुल लेकिन नमकीन नहीं होता कुछ कड़वा पंसा होता है ये ले लीजिए सौ ग्राम खरीद लें बस काफ़ी होना चाहिए यह आधा ग्राम एक गिलास पानी मिलाएं मिक्स कर दें और एक लींबू भी इसमें निचोड़ दें या दो लींबू भी निचोड़ सकते हैं और ये पानी उन्हें दिन में एक बार पिलाएं और इस पानी को पिलाने के बाद दो गिलास पानी और पिला दें ये दिन में एक बार या दो बार करें कभी भी उनकी पत्थरी पाउडर बनकर बाहर आ जाएगी दर्द हो तो दर्द की ही दवा काम आएगी वही जो लेते हैं वो लें और मर्ज के लिए ये काफ़ी होना चाहिए नकीम साहब जैसे कि किडनी में कोई भी पथरी होती है चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो क्या आराम से निकाली जा सकती है हाँ देखिए किडनी का जो मामला है वो कितनी भी बड़ी पथरी हमने देखा वो दवा में वो ताकत होनी चाहिए कि वो उसे जाकर फोड़ दे जी और पाउडर बना दे तो मैं जो ये बताता हूँ इस ये किसी भी पथरी को तोड़ देती है जी। और फिर मैं कहता हूँ कि और पानी पियो तो वो फोर्स से पेशाब आता है ज़्यादा पानी एक साथ कभी हुँ। हुँ। भी हम पीते हैं तो तो फिर उस फोर्स के जरिए वो उसका पाउडर भी आसानी से निकल जाता है और महीना दो महीना कभी भी एक दिन में भी निकल सकती है एक महीने भी निकल सकती है दो महीने भी हो सकते हैं लेकिन किडनी की पथरी निकलना मुमकिन है अगले कॉलर है दशरथ हमारे साथ स्वागत है आपका हेलो हाँ जी कहाँ से बात कर रहे हैं हाँ ला से बात कर रहे हैं हम ठीक है आपका सवाल क्या है सवाल ये है कि श्वास की मारे परेशान है सास हम्म। ठीक है क्या क्या परेशान है क्या आप चलाते चलने में दिक्कत होती है सांस चढ़ता है चलने में बैठे रह चलाते चलने में सांस में दिक्कत अच्छा देखिए दो वजह हैं। जिनसे हमारा सांस फूलता है अगर ही है तो अस्थमा का इलाज करना पड़ेगा और कभी हमारे दिल की वजह से भी हमारा सांस फूलता है हार्ट ब्लॉकेज की वजह से सांस फूलता है जो भी आपको है वो हमें सही सही बताएं रिपोर्ट शेयर करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है अभी मैं अस्थमा का आपको इलाज बताता हूँ लेकिन याद रखें दिल का है तो फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा फिर दिल का इलाज करना होगा तो अस्थमय वालों के लिए एक तो पांच बार गर्म पानी पिए और खट्टी और ठंडी चीज़ें बंद कर दें और आपको लेना है आ, सपिस्तान उन्नाव अलसी 100 सौ ग्राम और पीपलें हमारे किचन में होती हैं वो 30 ग्राम इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुझे से कहते हैं गर्म पानी के साथ एक चम्मच रात को और कोई दवा चल रही है तो वो भी छोड़े नहीं काफ़ी वक्त लगता है इस मर्ज़ में फ़ायदा होने के लिए